Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Mama Ansari, aap sabhi logo ka Talapati Vijay ki film Leo ke day number 1 ke box office collection prediction, audience occupancy, show count and the final advance booking episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? So guys, ab jab hum milenge agli baar theater ke bahar, tab wahan se baki ke advance booking jo hai, wo main aapko bataunga. To ab कल कितना किया है, परसों कितना किया है, पूरा वीकेंड कितना किया है, इसको बताकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं. हम सिर्फ यहां पर कल की तबाही के बारे में बात करेंगे. ऑडियंस को सिंपल स्पून फीडिंग दो ताकि उनको खाने में मजा आए एंड वो स्वाद भी ले, एंजॉय भी करे. परसों भी आप यही हो, मैं भी यही हूँ. उसके अगला दिन भी आप यही हो, मैं भी यही हूँ. अपन तो यही है. तो एक डे बाय डे चलेंगे, यानी कि एक एक दिन करके. उसके बाद जैसे जैसे दिन आते जाएगा, वैसे वैसे जो धमाके लियो करने वाला है, क्योंकि गाइस कल पहला शो खत्म होने के बाद ही ये फिल्म फटने वाली है. मुंबई में मूवी मैक्स आयन में सडनली सुबह 3:05 का शो खोला. बोला भैया बहुत बढ़िया भाई, देखे तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय. साला क्या हो गया ये. फिर वापस जरा रिफ्रेश किया तो 3:05, 3 बजे दो शो हो गए और दोनों फुल हो गए. मतलब पब्लिक इंतजार में मुंबई में है कि कब यहाँ पर तमिल का कोई भी शो पहला खुले, ये लोग देख लेंगे, कल एक अलग ही नजारा होगा. लेकिन इतना आपको कह सकता हूँ, लियो बिकम्स द हाईएस्ट एडवांस बुकिंग फॉर एनी फिल्म इन 2023. यस फ्रेंड्स, और ये सिर्फ तमिल तेलुगु वर्जन लेकर भी किया है लोगों ने. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसने जवान की एडवांस बुकिंग, इसने पठान की एडवांस बुकिंग, इन सबको बीट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ तमिल एंड तेलुगु वर्जन को लेकर. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट. हैट्स ऑफ टू तलपति विजय. उनका स्टारडम है ना एक अलग लीग में है, एक अलग लेवल पर है. स्पेशली जेलर की बाप लेवल सक्सेस के बाद तलपति फैंस के हाथ में इतनी खुजली थी कि भैया हमारी पिक्चर है, हम टिकट के पैसे निकालेंगे. एंड डोंट बी सरप्राइज्ड बाय द हिंदी वर्जन. मैं आपको कुछ ऑक्यूपेंसीज थ्रो करूंगा आपके सामने, यू आर इन फॉर अ ह्यूज शॉक. तलपति विजय की फिल्म लियो, एंड बहुत सारे लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि लियो का बुखार जो है वो कल वर्ड ऑफ माउथ के बाद और फटने वाला है हिंदी वर्जन में. बात याद रखना ये, भुवनेश्वर 13 शो है, 68% की ऑक्यूपेंसी. अरे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार में साउथ डब फिल्म्स के इतना क्रेज है ना, इतना क्रेज है ना. साहो डिड 153 करोड़ ऑल थैंक्स टू दोज रीजन्स. यू ब्रिंग इन एन एक्शन फिल्म, अ साउथ फिल्म, और अगर आपकी पिक्चर उसने टीवी पर देखी है बॉस, वो आदमी जाएगा चलते चलते पोस्टर देख के जाएगा, उसका ट्रेलर आहा, तालपति विजय, ऊ मास्टर विजय द मास्टर. उनको पता है, उन्होंने फिल्में देखी है आपकी, क्या मैक्स हो, स्टार गोल्ड हो, इन सब चीजों पर. बात करूंगा इस अन्य जगहों की, कानपुर 29 शोज में 38%, इंदौर 29 शोज में 36% एंड पटना 24 शोज में 30%. ये हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी है. मुंबई में 170 हिंदी शोज है, बड़े बड़े सिनेमा दे दिए है, गैलेक्सी दे दिया है, चित्रा सिनेमा दे दिया है, मराठा मंदिर दे दिया है. अगले दिन गणपत है कि वो अगली बात है, एक दिन के लिए भी इतना बड़े सिनेमा घर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है. बात करूंगा दिल्ली एनसीआर की, 129 शोज में 10% है, पुणे 102 शोज में 6%, कोलकाता 29 शोज में 22%, अहमदाबाद 171 शोज में 3 एंड सूरत में 120 शोज में 5. बात करूं जयपुर की, 28 शोज में 5%, आगरा 30 शोज में 14% एंड भोपाल 25 शोज में 30%. कल ये फिल्म हिंदी वर्जन में 4 से 5 करोड़ कमाने की कोशिश करेगी. ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्शन दे रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद है कि फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी. लेकिन नाउ लेट्स कम बैक टू द चेरी ऑन द केक. देखिए गाइस, ये तो सभी लोगों को पता है कि इस फिल्म ने पागलपना कर दिया है. इससे पहले किसी भी फिल्म ने ऑल डे एडवांस बुकिंग जो है, यानी कि जितने भी दिन है कि एडवांस बुकिंग खुली है, उसमें 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस सिर्फ बाहुबली 2, RRR एंड KGF 2 ने किया था. लियो चौथी फिल्म बन जाती है इंडियन सिनेमा में जिसने सब दिनों के एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ के टिकट्स बेच दिए सिर्फ इंडिया में. सोचो ये किससे टक्कर ले रही है. मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि ये इनसे टक्कर लेगी, और वही हो रहा है. दिस इज टेकिंग द 4th बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ इंडियन सिनेमा ब्रो. दिस इज टेकिंग इट, दिस इज मैडनेस. तमिल सिनेमा के लिए सबसे पहली बार होगा
कि इस तरह का वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है, एक मैडनेस क्रिएट हो रहा है। रिपल्स, बाहुबली 2, RRR, KGF, अब आदि पुरुष के 140 करोड़ जो था वर्ल्ड वाइड का, उसको तोड़ के ये जाने वाली है फोर्थ पोजीशन पे। अब बात कर लेते हैं हमारी नॉर्मल एडवांस बुकिंग की, जैसे हम डिस्कस किया करते थे। तमिल जो एडवांस बुकिंग हुई है 35 करोड़ की हुई है, 35 करोड़ फ्लैट, 17,70,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 200 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस है, 8,000 शोज है, सिर्फ 8,000, या हम लोग 14-15,000 शो लेकर रोते हैं बैठ के कि शोज नहीं है यहाँ पे, ओनली 8,000 शोज में दिस इज गोइंग मैडनेस। कैपेसिटी इश्यूज हो रहे हैं चेन्नई में, एंड कितने जगहों पर कुछ डील्स के वजह से शोज भी जो है वो शुरू नहीं हुए, तो अब लेट शुरू हुए। लाइन रोड तक गई है, पूरे लाइन रोड तक गई है, पब्लिक को कैसे भी कले पिक्चर देखना है। आईमैक्स वर्जन 74 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है, 8,870 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 950 रुपीस का ATP है। अरे ये कोई एंड गेम नहीं है, ये कोई एवटार नहीं है कि 950 रुपया देकर कोई आईमैक्स में देखे फिर भी पब्लिक जा रही है। एंड 44 शोज है आईमैक्स, मुंबई में रखिए भाई, आईमैक्स में क्या कर रहे हैं भाई है? तेलुगु वर्जन 5.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, एंड गाइस दिस इज जस्ट क्रेजी स्टफ, 3.65 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 150 रुपीस में खाली दिखा रहा है लियो आपको, एंड 2,100 शोज आर देयर। बात करो गाइस अभी हिंदी वर्जन की, दिस इज अ मैडनेस। हिंदी वर्जन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां पर पीवी आईनॉक्स सिनेपोलिस नहीं है और मूवी मैक्स, इन लोग सब पूरा जिम्मेदारी ले रहे, सिंगल स्क्रीन जिम्मेदारी ले रही है, हम लगाएंगे लियो, आएंगे और देखो आके लियो। 1.02 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है, 1.02 करोड़। गणपत और 24 लाख में छोटी बच्ची हो क्या? और ये लियो देखो, एक दिन बाकी है गणपत का, देखो क्या करती है। लेकिन लियो 1.02 करोड़, 65,600 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, अरे 65,600 टिकट बिकी है सिर्फ 158 रुपीस में लियो। कल आप हिंदी में देख सकते हो जाके आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, एंड 3,056 शोज आर देयर। शोज कम है लेकिन एडवांस बुकिंग में जो दम है, एंड इसी के साथ 42.40 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, 42.40 करोड़ की। दिस आर मैडनेस गाइज, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलू, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड ये सिर्फ और सिर्फ पहले दिन का है, दिस आर विदाउट ब्लॉक सीट्स, इसमें कुछ भी ब्लॉक मैंने नहीं रखा हूं, ये सब ऑर्गेनिक है, कुछ भी नहीं, ये सब ब्लॉक है। एंड गाइस 22.10 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड, 22.10 लाख टिकटें जो बिक चुकी है, ये एक अपने आप में पागलपना है। तो गाइस माय प्रेडिक्शन, ओके प्रेडिक्शन सुन लो, बाद में जितने स्टूडेंट जिनको इंटरेस्ट है सिटी वाइज वो बैठ सकते हैं एपिसोड में। बात करें तमिलनाडु की, कल ये फिल्म कैसे भी 33 करोड़ रुपीज कमा रही है सिर्फ तमिलनाडु में, सब रिकॉर्ड टूट गए, ये पूछना मत किधर क्या क्या टूटा है, वो सब 33 करोड़ रुपए कमाए तमिलनाडु में। नो 4 AM एंड नो 7 AM शोज, कुछ तो पंगा है वहां पर, 4 बजे 7 बजे के फैन शोज तमिलनाडु में ही नहीं है, पूरे देश में है तमिलनाडु छोड़कर। 9 बजे होने के बावजूद भी इतना कमा रही है। केरला 13 करोड़, कर्नाटक का 15 करोड़, ये प्रेडिक्शन है, कल कंपेयर करेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश तेलंगाना 16 करोड़, हिंदी वर्जन 4-5 करोड़। कल ये फिल्म सिर्फ इंडिया में 82 करोड़ कमाने वाली है, एंड ओवरसीज कहीं ना कहीं 66+ करोड़, यानी कि ये फिल्म कल इतिहास रचेगी 148 से 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड, अ ड्रीम फॉर तमिल सिनेमा, द हाईएस्ट ओपनिंग फॉर तमिल सिनेमा, द फोर्थ हाईएस्ट ओपनिंग फॉर इंडियन सिनेमा। These are crazy numbers and one man, Talapathy Vijay, the massive stardom, unparalleled, unprecedented stardom of Talapathy Vijay is going to take that. Seriously बोल रहा हूँ, and Lokesh Kanagaraj भैया, अगर तुमने LCO का कुछ भी डाल दिया इसमें, and Loki Cinematic Universe का, पागल हो जाएगी public, तगड़ तुम पागल बना हो जाएगा, अगर कुछ भी हुआ LCO का, Rolex, दिल्ली, विक्रम, कुछ भी आ गया इसके अंदर, इतना सा भी आ गया ना बॉस, ये तोड़ देगा बॉक्स ऑफिस। मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा मौका नहीं है, अगर कुछ भी हुआ इसमें लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स को, ये फट जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं तमिल वर्जन की, मुंबई में 152 तमिल शोज है, 67 हाउसफुल है, तमिल यू नो शोज इंजॉय ह्यूज पॉपुलैरिटी इन मुंबई, हमने वालीमाई में देखा है मुंबई में, हमने बीस्ट में देखा है मुंबई में, हमने बहुत सारी फिल्में देखी है, अन्नते में देखा था मुंबई में हम लोग ने, यहाँ पर बेंगलुरु मैडनेस। टोटल शोज 1,114 है, 1,114
ट्रैक हो रहे हैं सिर्फ 1052, 1052 शोज में 660 हाउसफुल। अरे बैंगलोर में तो पिक्चर देखने का मजा ही अलग रहता है, अरे ठंडी रहती है तो सुबह सुबह जाते हैं बाप पिक्चर देखने कड़कड़ाती और सब फुल पागल बना, डायलॉग वायलॉग सुनने का नहीं देखने का खाली, बस दे ओनली सीन नो लिसनिंग, आवाज ही नहीं आती, तो चिल्लम चिल्ली ओल मस दूध डाल रहे हैं उन लोग के ऊपर, फुल फटाका फोड़ रहे, एटमोसफियर रहता है वही अलग रहता है। हैदराबाद में 130 शोज में 73 हाउसफुल, डिस्पाइट भगवंत केसरी एंड टाइगर नागेश्वर राव इतना अच्छा कर रही है फिल्म चेन्नई, भैया क्या बोलना भाई, 1121 शोज में 1069 हाउसफुल है, कुछ नहीं मिलेगा, पहली सीट भी नहीं मिलेगी, कुर्सी भी डाल के नहीं देंगे तुम लोग को, खटिया भी नहीं डाल के देंगे, चटाई भी नहीं मिलेगी थिएटर में बैठने के लिए, कल कुछ नहीं मिलेगा, परसों भी कुछ नहीं मिलने वाला है, टिकट नहीं बुक की हो शांत बैठो मंडे को, ठीक है। बात करते मदुराई, 193 शोज में 152 हाउसफुल है, त्रिची मैंने कल बोला ना त्रिची तो पूरा शहर ही बिक गया, पूरा सिटी फुल है, बस पकड़ो बाहर जाओ, 62 शोज कर दिया, 62 फुल ले लिया है। त्रिवेंड्रम 417 शोज में 292 हाउसफुल एंड कोयम्बतूर 321 शोज में 293, ये होता है स्टारडम, ये होते कलेक्शन, ये 1+1, ये 112 रुपए की टिकट, तीसरे दिन आजकल हिंदी फिल्म 112 रुपए की टिकट दे रही है, हाँ चौथे दिन 1+1 दे रही है पिक्चर, हाँ ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा, समझ में आया ना, यो ये करो वो करो प्रमोशन में, तलपति विजय घर से बाहर भी नहीं निकलते, मुंह तक नहीं दिखाते, रे मैं हूं इधर, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं करते, और ये देखो तुम लोग सीखो, समझ में आ रहा है ना, ये तो मार्केटिंग गुरुज बैठे हमारे जू वर्षों अंधेरी में गुरुज, ये सब तुम लोग को वो बनाते हैं क्या, टिंग निंग निंग निंग, तुम्हारा टिंग निंग 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 काटते हैं लोग यहाँ पर, समझ में आ रहा है, दिस इज मैडनेस मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये साल ऐतिहासिक रहा है इंडियन सिनेमा के लिए, चाहे वो पठान ले लो, जवान ले लो, गदर 2 ले लो, और ये ले लो, भाई क्या चल क्या रहा है, मतलब पूरा पागलपना चल रहा है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, ऑल द बेस्ट तलपति विजय, मुझे पता है भैया आपको हमारी शुभकामनाएं की जरूरत नहीं है, आपके फैंस आपके लिए है, आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर बाबा संजय दत्त के लिए, क्योंकि KGF के बाद एक और 1000 करोड़ बाबा देने के कगार पर है यहाँ पर, एंड कुछ भी बॉस हुआ ना कल, चाहे वो रोलेक्स हो, दिल्ली हो, कैथी का रेफरेंस, विक्रम का रेफरेंस, कुछ भी हुआ ना बॉस, और अभी अनिरुद्ध आ रहे है भाई, कान फाड़ देना, अरे क्या बोल रहा साला, सर क्या सुन रहे, कान फाड़ दो बोल रहा हूँ, ठीक है हम कुछ और सुनिए साइनिंग ऑफ यू गाइस वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, लियो इन सिनेमास इन जस्ट 6 आवर्स।